नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वर्मा। तो दोस्तों, आपने ये काफ़ी वीडियो में मैंने आपको दिखाया होगा कि ये जो हमारा मॉड्यूल है जो 6009XL, तो ये काम करता है हमारा वोल्टेज को बूस्ट करने के लिए। यानी कि जैसे हमारी ये 3.7 वोल्ट की बैटरी है, यानी कि 4 वोल्ट की बैटरी है, तो हम इससे कितना भी आउटपुट यहाँ से ले सकते हैं। और यहाँ पर हमने आउटपुट पर देखिए 1K5 का रेजिस्टेंस लगा रखा है, आप चाहे तो यहाँ 1K भी लगा सकते हैं। और एक हमने आउटपुट पे यहाँ ग्राउंड वाला वायर लगाया हुआ है। इसी से मैं आज आपको बताऊंगा कि आप इससे एक जीनर टेस्टिंग कैसे बना सकते हैं, यानी कि किसी भी जीनर डायोड को आप इस मॉड्यूल से चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये मैंने यहाँ पर कई जो जीनर डायोड लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये मॉड्यूल मैं यहाँ रख देता हूँ। अब देखिए, ये मॉड्यूल है और यहाँ पर मैं मल्टीमीटर को सेट कर लेता हूँ, इसको साइड कर देता हूँ। अब ये देखिए, ये मल्टीमीटर, ये तो आपने देख ही लिया क्योंकि यहाँ पर इनपुट पे बैटरी के कनेक्शन होते हैं, आउटपुट पे हमने यहाँ 1K5 का रेजिस्टेंस और एक ग्राउंड वायर लगाया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, मल्टीमीटर को मैंने सेट कर लिया और यहाँ पर जो है रेड वाला जो वायर है मल्टीमीटर का, मल्टीमीटर को रखते हैं 200 की रेंज में, यानी कि DC वोल्टेज पे। ये देखिए, रेड जो प्रोक है ये हम लगा देते हैं रेजिस्टेंस पे, ये देखिए रेजिस्टेंस पे लगा दिया। और ब्लैक वाला जो वायर है हमारा, ये लगा देते हैं हम यहाँ पर ब्लैक वाले वायर के पास, ये देखिए ब्लैक वाले वायर के पास ब्लैक वाला लगा दिया हमने। तो यहाँ पर जो हमारा मॉड्यूल इस समय वोल्टेज दे रहा है, वो वोल्टेज यहाँ पर शो हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसका जो वोल्टेज है उसको बढ़ाते हैं। देखिए, अब मैं इसके वोल्टेज को बढ़ाता हूँ और इससे आप बहुत ही आसान तरीके से जो है यहाँ पर जो है आप किसी भी जीनर डायोड को टेस्टिंग कर सकते हैं। क्योंकि हमें जीनर डायोड को चेक करने के लिए वोल्टेज हाई चाहिए, तो ये बूस्टर के अंदर क्या है कि वोल्टेज जो है इसके अंदर 35 और 40 के आसपास जो है वोल्टेज हो जाती है। और हमारा जीनर डायोड भी इतने ही वोल्टेज के होते हैं, ज़्यादातर हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स लाइन में जो यूज होते हैं वो इतने ही वोल्टेज में होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 40 वोल्टेज कर लिया है इस बूस्टर से। अब यहाँ पर ये हमारे पास एक जीनर है, ये देखिए अभी मेरे को यहाँ पर ज़्यादा इसमें दिखाई भी नहीं दे रहा है कि मतलब ये कितने वोल्टेज का है। तो अब हम इसको कैसे चेक करेंगे, अब यहाँ पर देखिए जो ब्लैक वाला पट्टी है वो मैं रख देता हूँ रेजिस्टेंस के साइड में। ये देखिए रेजिस्टेंस के साइड में ये मैंने ब्लैक वाला पट्टी इस तरीके से लगा दिया। और जो ये जो ब्लैक वाला वायर है ये मैं लगाता हूँ जीनर डायोड पे इस तरीके से। तो ये देखिए जीनर डायोड कितने वोल्टेज का है, 4.2 वोल्ट का। अब मैं इसको हटा देता हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास ये एक जीनर डायोड, एक ये है देखिए, तो ब्लैक वाला पट्टी आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए ये ब्लैक वाला पट्टी है ना, ये मैं रख रहा हूँ रेजिस्टेंस साइड में, यानी कि जो हमारा रेजिस्टेंस है। ये देखिए मैंने ब्लैक वाला पट्टी रेजिस्टेंस साइड में रखा और जो ब्लैक वाला वायर है आउटपुट का वो मैंने यहाँ लगा दिया। अब देखिए ये जीनर डायोड हमारा कितना है, 9.4 वोल्ट के, 4 और 3 वोल्ट, यानी ये 9 वोल्ट का जीनर डायोड है। ये हमारा चेक हो गया। अब यहाँ पर एक हमारे पास जीनर डायोड ये भी है, देखिए अब इसको भी चेक कर लेते हैं हम, ये वाला कितने वोल्टेज का है। तो ये देखिए ये वाला है हमारा 12.5, यानी कि ये 12.5 वोल्ट का जीनर डायोड है। तो इस तरीके से हम इस बूस्टर से अपना कोई भी इस तरीके से एक सर्किट बना सकते हैं, क्योंकि ये बूस्टर तो बनाया गया है वोल्टेज को बूस्ट करने के लिए, लेकिन हम इससे बहुत सारे सर्किटों में यूज कर सकते हैं। तो आप इससे अगर इससे एक आप जो है जीनर डायोड का टेस्टर बनाना चाहते हैं, तो या आप ये वाला मल्टीमीटर ना लगा के एक छोटा मल्टीमीटर आता है DC वाला, उसको भी यूज करके पूरा सेटअप बना सकते हैं और जीनर डायोड को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को जरूर दबाना। मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही जानकारी लाता रहूँगा। और दोस्तों, ये लिथियम बैटरी या आपको ये बूस्टर वगैरह चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप इन्हें परचेज कर सकते हैं।